हेलो फ्रेंड्स। तो अभी अभी IBPS SO प्री का रिजल्ट जस्ट केम आउट एंड कंग्रेचुलेशंस जिन जिन लोगों का हो चुका है। अभी 10 दिन बचे हैं एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ। गिव इट योर ऑल। 10 डेज आर देयर, तो जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। ठीक है, जो भी आपके सोर्स है जहाँ से भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, प्रिपेयर करते जाओ करते जाओ। एंड अर्लियर आई ऑल्सो सेड कि इसे एक लास्ट वैकेंसी की तरह कंसिडर करो। इट डजेंट मैटर वेदर नेक्स्ट ईयर वैकेंसीज आर कमिंग और नॉट। ठीक है, अब आप लोगों ने प्री क्लियर कर लिया है तो इसी बार मेंस करना है। और जिन लोगों के मेंस मार्क्स अच्छे आने वाले हैं ना, 95% उन्हीं का सिलेक्शन होना है। इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। एवरेज मार्क्स सबको मिलने हैं वहाँ। एवरेज मार्क्स सबको मिलेंगे बिटवीन द रेंज ऑफ 8 to 16। तो आप मान के चलो कि ऑन एन एवरेज आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे। मुझे 13 मार्क्स मिले थे एंड माई इंटरव्यू वॉज एवरेज। ओके, तो थोड़ा ठीक था, ठीक ठाक गया था। बट जिन लोगों का अच्छा नहीं भी गया है, बहुत बुरा गया है ना, तो 8 मार्क्स तो उनको भी मिलने हैं। तो जो मेजर डिफरेंस आने वाला है वो आपके एग्जाम से ही आ जाएगा। दिस मेन्स एग्जाम इज द की। प्री एग्जाम वॉज इज क्वालिफाइंग इन नेचर। आप लोगों का हो गया तो वेरी गुड यार, कंग्रेचुलेशन। पर यहाँ से माइंड को फुल मत कर लेना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हु आर परफॉर्मिंग वेल इन IBPS एज अ प्री, बट इन मेन्स दे वर नॉट एनी वेयर। तो ऐसा आपके साथ ना हो। तो अब जो भी कंटेंट प्रेफर कर रहे हो, जिस भी टीचर के जो नोट्स है वो फॉलो कर रहे हो, आप करिए। अब मैंने अपना जो रिजल्ट है वो ऑनलाइन शेयर किया था, तो आई वॉज एबल टू करेक्ट 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 60 एंड आई स्कोर 39.25 इन मेन्स। तो ऐसा रहा था। इफ़ यू वॉन्ट टू हैव माई नोट्स देन यू कैन ऑल्सो व्हाट्सअप मी। आई हैव ऑलरेडी शेयर माई नंबर इन अदर वीडियोज़। ओके, यू कैन व्हाट्सअप मी। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। या मिलते हैं मेंस के बाद।